दुनिया जहान में इस हफ्ते। क्या दवाइयों के भरोसे मोटापे से निजात मिल सकती है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। जून 2023 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने देश में मोटापे की समस्या सुलझाने के लिए एक पायलट स्कीम की घोषणा की। इस योजना पर 4 करोड़ पाउंड खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि देश के लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा घटाने के लिए नवीनतम दवाइयों के इस्तेमाल से बड़ी सफलता मिल सकती है। इनमें से एक दवाई की मांग तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी से आसमान छू रही है। सोशल मीडिया पर भी अटकलों का बाजार गर्म है कि हॉलीवुड के कौन से सितारे इस दवा का इस्तेमाल करके मोटापा घटा रहे हैं, मगर ये दवा सबके लिए नहीं है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दवाइयों के इस्तेमाल से मोटापे से निजात मिल सकती है। पार्ट 1, विश्वव्यापी समस्या। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दिशा नारंग, जो अमेरिका के इलिनॉय राज्य के नॉर्थ वेस्टर्न वेक फॉरेस्ट अस्पताल में ओबेसिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की निदेशक हैं। वो कहती हैं कि आजकल वजन घटाने के लिए ओजेम्पिक नाम की दवाई का इस्तेमाल काफी हो रहा है। यह दवाई मुख्य तौर पर मधुमेह या डायबिटीज के इलाज के लिए बनाई गई थी। यह GLP-1 एगोनिस्ट की कैटेगरी में आती है। GLP-1 हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है। इस दवाई के इस्तेमाल से यह हार्मोन बेहतर तरीके से काम करता है। इस ट्रीटमेंट से शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन ये दूसरे काम भी करती है। ओजेम्पिक पिछले 1-2 सालों में बहुत लोकप्रिय हुई है, क्योंकि इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। यह टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करता है और साथ ही उस हार्मोन को भी, जिसकी वजह से हमें भूख महसूस होती है। इसके इस्तेमाल से मरीजों में शुगर तो कम होती है, लेकिन बार बार कुछ खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। ब्रिटेन में मोटापा घटाने के लिए जिस पायलट स्कीम की घोषणा की गई है, उसमें विगोवी और ओजेम्पिक का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर दिशा नारंग कहती है कि ये दोनों दवाइयां सेमाग्लूटाइड ही हैं, जिनका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए होता है। ये दोनों दवाइयां एक ही तरह से काम करती हैं। सेमाग्लूटाइड से इलाज के बाद दोबारा वजन बढ़ने को भी रोका जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऐसा इलाज नहीं है कि झटपट आपका वजन 4 या 5 किलो से घट जाएगा। कई लोग लंबे समय तक मोटापा कम करने के लिए जूझते रहते हैं। कई बार वजन घट भी जाए तो कुछ समय बाद वह फिर बढ़ जाता है। अमेरिका में संस्था US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जून 2021 में विगोवी को मोटापे के इलाज के लिए मंजूरी दी थी। डॉक्टर दिशा नारंग कहती हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या दुनिया भर में है। 2030 तक अमेरिका में लगभग 13 करोड़ लोग ओबीस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये केवल सुंदर दिखाई देने की लालसा की समस्या नहीं है, बल्कि एक न्यूरो हार्मोनल बीमारी है। किसी अन्य बीमारी की तरह इसके इलाज के लिए भी लंबे समय तक दवाई लेने की जरूरत है। अमेरिका में इस दवाई को पाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये दवाई उन्हें दी जाती है जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम से कम 27 हो और साथ ही मोटापे की वजह से होने वाली कोई बीमारी हो। मिसाल के तौर पर उन्हें डायबिटीज, दिल की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या फिर मरीज को कोई बीमारी ना हो लेकिन उसका बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक हो। ये सब होने के बावजूद कई मरीजों को ये दवाई नहीं मिल पाती, क्योंकि ये बेहद महंगी है। मरीज को इस दवाई का एक इंजेक्शन हर हफ्ते लेना होता है। डॉक्टर दिशा नारंग बताती हैं कि कई बीमा कंपनियां अपने प्लान में इसे कवर नहीं करती, यानी मरीज को ये दवाई अपने पैसे से खरीदनी पड़ती है। 1 महीने के इलाज यानी इस दवाई के लिए 4 इंजेक्शन की कीमत $1,300 है। दूसरी समस्या इसकी उपलब्धता को लेकर भी है। पिछले 1-2 सालों में इस दवाई की मांग काफी बढ़ गई है और इसकी एक वजह सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा भी है। मांग ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है।
सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि किस सेलिब्रिटी ने इस दवाई के इस्तेमाल से अपना काया पलट किया होगा। हॉलीवुड के कौन से सितारे इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। टिकटॉक पर हैशटैग ओजेम्पिक को 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिले हैं, जबकि हैशटैग वीगोवी को 50 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। डॉक्टर दिशा नारंग कहती हैं कि दवाई की किल्लत से डायबिटीज और मोटापे से जूझ रहे मरीजों को समय पर दवाई मिलने में दिक्कत हो रही है। पार्ट 2, दवा उत्पादक। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं एड्रियन वैन होवेन, जो यूरोप की दवा उत्पादक कंपनियों के संघ मेडिसिंस फॉर यूरोप के महानिदेशक हैं। वो कहते हैं कि दवा उत्पादक कंपनियां हर बाजार में कितनी मांग होगी इसका अनुमान लगाकर ही दवाइयों के उत्पादन की मात्रा तय करती हैं। कई बार ये अनुमान गलत साबित होते हैं, जिसकी वजह से कुछ दवाइयों की किल्लत हो जाती है। ज्यादातर दवाइयों के निर्माण में ये होता है कि कोई कंपनी एक नया रासायनिक या जैविक सब्सटेंस बनाती है, वही सब्सटेंस का परीक्षण करके देखते हैं कि वो किसी बीमारी की रोकथाम में कितना प्रभावी है। अगर वो सब्सटेंस बीमारी की रोकथाम में असरदार साबित होता है तो उसका इस्तेमाल करके दवाई बनाकर और कड़े परीक्षण किए जाते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उस दवाई को अमेरिकी दवा एजेंसी USFDA और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को भेजा जाता है। स्वीकृति मिलने के बाद उस दवा के पेटेंट पर कंपनी को लगभग 20 साल के लिए निर्माण का एकाधिकार मिल जाता है। साथ ही इन दवाइयों को तुलनात्मक रूप से ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है, ताकि कंपनी उस दवा के निर्माण में हुए निवेश को वापस कमा सके। लगभग 20 साल के बाद उस ओरिजिनल दवाई जैसी ही जेनरिक दवा बनाई जाती है, जिसे दूसरी कंपनियां भी बना सकती हैं। एड्रियन वैन होवेन कहते हैं कि कई बार दूसरी कंपनियां बढ़ती मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ा पाती, मगर किल्लत पैदा होने की एक और वजह भी है। कुछ दवाइयों को एक खास बीमारी के इलाज के लिए मान्यता दी जाती है, मिसाल के तौर पर डायबिटीज के इलाज की दवाई, मगर बाद में डॉक्टरों को लगता है कि उसका इस्तेमाल दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी हो सकता है। डॉक्टर उसे दूसरी बीमारी के इलाज के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इस वजह से भी उस दवाई की मांग में भारी वृद्धि हो जाती है, जिसका पहले से अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। इन दवाइयों के उत्पादन के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की जरूरत होती है, जिन्हें लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या अचानक बढ़ा पाना मुश्किल होता है। कंपनियों के सामने दूसरी समस्या ये होती है कि हर दवाई की एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी दवाइयों को पहले से बनाकर स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर गोलियों और कैप्सूल को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन की एक्सपायरी अवधि छोटी होती है। जो पेटेंटेड महंगी दवाइयां हैं, उनका वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि किस बाजार में उसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। ऐसी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां उन्हें उन देशों को ज्यादा सप्लाई करती हैं जहां ऊंची कीमत मिलती है। पार्ट 3, जीवन भर की दवाई। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जेना ट्रोनियरी, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पेरलमैन मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल सर्विसेज की निदेशक हैं, और साथ ही वो मोटापे के इलाज की एक्सपर्ट भी हैं। वो कहती हैं कि वजन घटाने की सबसे पुरानी दवाई है फ्रेंटामीन, जिसे अमेरिका में 1959 में स्वीकृति दी गई थी, और आज भी वजन घटाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल अन्य दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर किया जाता है। इससे भूख को कम करने में मदद मिलती है और इसका इस्तेमाल थोड़े वक्त के लिए किया जाता है। एक और दवाई है जिसका नाम है ऑर्लिस्टैट, जिसके छोटे डोज कुछ जगहों पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी उपलब्ध हैं। ये शरीर में चर्बी को घुलने या जमा होने से रोकती है, और इससे खाने के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाली कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है, जबकि दूसरी दवाइयां शरीर के भीतर खून के हार्मोन को नियंत्रित करके वजन घटाने का काम करती हैं।
जेना ट्रोनियरी कहती हैं कि उनके अस्पताल में मोटापा घटाने के लिए दवाइयों के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव और खान पान के तरीकों में सुधार पर भी बल दिया जाता है। हमने अपने मेडिकल सेंटर में पाया कि मरीज केवल एक्सरसाइज, जीवन शैली और खाने पीने की आदतों में बदलाव करके 5 से 10 किलो तक ही वजन कम कर पाते हैं, जबकि दूसरी दवाइयों के इस्तेमाल से उनका वजन 20 किलो तक या उससे ज्यादा भी कम हो जाता है। सोशल मीडिया पर कई बार ये देखने सुनने में आता है कि इन दवाइयों से थोड़े समय के भीतर वजन घट जाता है, जो कि गलत जानकारी है। सच्चाई ये है कि ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। ये बात इन सभी दवाइयों के लिए सच है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब मरीज ये दवाई लेना बंद कर देते हैं तो वजन फिर बढ़ने लगता है। ये ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित होते ही आप वो दवाई लेना बंद कर दें, उसे लंबे समय तक जारी रखना पड़ता है। जेना ट्रोनियरी ये भी याद दिलाती हैं कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनके इस्तेमाल से पेट में गैस और मितली की समस्या पैदा हो सकती है, और ये समस्या का बेहतरीन हल तो नहीं है। पार्ट 4, भविष्य की राह। हमारे चौथे एक्सपर्ट हैं जॉश जोल्डी, जो स्विट्जरलैंड स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एराकल थेराप्यूटिक्स के सीईओ हैं। वो कहते हैं कि मोटापा एक पुरानी समस्या है और इसका हल निकालने में आज तक खास सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन सेमा ग्लूटाइट से कुछ आशा बंधी है। मगर वो मोटापे की समस्या का हल नहीं है, हमें इसके साथ और भी उपाय खोजने होंगे। विज्ञान कहीं रुकता नहीं है और ना ही उसकी कोई आखिरी मंजिल होती है। तरक्की करते जाना इंसान का स्वभाव है। इसका मतलब है कि इन दवाइयों में और सुधार लाया जा सकता है। जॉश जोल्डी कहते हैं कि फिलहाल ये दवाई इंजेक्शन के रूप में ली जाती है। सभी मरीजों के लिए हर हफ्ते इंजेक्शन लेना सुविधाजनक नहीं होता। इस दवाई को गोली या कैप्सूल की शक्ल में लाने की जरूरत है, लेकिन इससे उसकी रासायनिक संरचना बदल जाएगी। इसका हल निकालने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। दूसरी कई क्रॉनिक बीमारियों के लिए दवाइयाँ टैबलेट की शक्ल में उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि मोटापा घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ भी गोली या कैप्सूल के रूप में उपलब्ध हो जाएंगी। मगर इसमें कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी नई दवाई को बनाने की प्रक्रिया पेचीदा और महंगी होती है। इसमें 7-8 साल का वक्त लग जाता है और इसकी गारंटी भी नहीं होती कि वो परीक्षणों के बाद सफल भी हो। जॉश जोल्डी कहते हैं कि उनकी कंपनी भी मोटापा घटाने वाली एक ऐसी दवा बना रही है जो टैबलेट की शक्ल में होगी और भूख कम करने में मददगार साबित होगी। फिलहाल मोटापा घटाने के लिए इस्तेमाल में आ रही दवा सेमाग्लूटाइड ओजेम्पिक और विगोवी के ब्रांड नेम से बिक रही है। सेमाग्लूटाइड को नोवो नार्डिस्क कंपनी ने बनाया था और इसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। But they are obviously not alone. Now you have a race starting. अब दूसरी कंपनियां भी इस स्पर्धा में आ गई हैं। इलाय लिली भी मोटापा घटाने वाली दवा विकसित कर रही हैं और जो डेटा उन्होंने पेश किया है वो काफी बढ़िया लग रहा है। अनुमान है कि उसकी दवाई अगले 6 महीने में बाजार में आ सकती है और विगोवी को चुनौती दे सकती है। सेमाग्लूटाइड का पेटेंट 2030 में खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि पेटेंट 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसके बाद ये दवा जेनेरिक कैटेगरी में आ जाएगी, यानी इसके उत्पादन की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और दूसरी कंपनियां भी इसे बना सकेंगी, जिससे इसकी कीमत कम हो जाएगी और ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे। मगर जॉश जोल्डी की राय है कि इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जाना चाहिए। यह एक ऐसी दवा है जिस पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग इसे फिल्मी सितारों की दवाई की तरह देखने लगें और किसी सेलिब्रिटी जैसा शरीर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगें। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि यह काफी ताकतवर दवाई है। अब लौटते हैं अपने मूल प्रश्न की ओर कि क्या मोटापा घटाने वाली दवाइयां मोटापे की समस्या का हल हो सकती हैं?
हर मरीज में मोटापे की समस्या के मूल कारण भिन्न भिन्न होते हैं। दवाइयाँ इस समस्या का राम बाण इलाज नहीं है। दूसरी बात, फिलहाल जो दवाइयाँ मौजूद हैं उन्हें लंबे अरसे तक लेने की जरूरत पड़ती है। कई लोग सुंदर दिखने की लालसा में ये महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की अनदेखी होती है। कई लोग जो मोटापा घटाने वाली दवाइयाँ लेना चाहते हैं उन्हें दरअसल इनकी जरूरत नहीं होती।